हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न प्रदीपन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान की विधियाँ। ये आपकी यूनिट वन ही चल रही है, तो जिसमें बहुत सारी विधियाँ हैं मनोविज्ञान की, जिनको आज हम पढ़ेंगे। तो बिना वक्त गवाए सबसे पहली विधि देखिए, साक्षात्कार विधि। तो सभी जानते हैं साक्षात्कार, जिसे अंग्रेजी में इंटरव्यू कहा जाता है। ठीक है, तो जो इंटरव्यू है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक इंटर और दूसरा व्यू। इंटर का अर्थ क्या होता है? आंतरिक, और व्यू का अर्थ होता है अवलोकन करना, जानना। तो यदि हम इसका जो है सम्मिलित रूप से देखें इन दोनों शब्दों का अर्थ, तो इसका अर्थ ये रहेगा कि एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति से बातचीत के द्वारा उसकी योग्यता, उसका ज्ञान आदि की जो है जानकारी प्राप्त करना, इस विधि के अंतर्गत किया जाता है। और साक्षात्कार विधि में जो है दो व्यक्तियों का होना तो आवश्यक ही है। जो साक्षात्कार ले रहा है, इंटरव्यू ले रहा है, उनकी संख्या जो है एक से अधिक हो सकती है, लेकिन जिसका साक्षात्कार किया जाना है तो वह जो है उसकी संख्या एक होती है। ठीक है, यानी कम से कम जो है दो व्यक्ति तो आवश्यक रूप से होते हैं इस विधि के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो साक्षात्कार करता है वो प्रश्न पूछता है, और सामने जो व्यक्ति है वह उसकी आंसर देता है। तो साक्षात्कार विधि भी दो प्रकार की है, एक तो है संरक्षित और दूसरी है असंरक्षित। यानी कि पहले से ही जो है प्रश्न जो है वो निश्चित हैं कि हमें जो है क्या प्रश्न जो है वो पूछना है, तो वह विधि कहलाती है संरक्षित साक्षात्कार विधि। और दूसरी, जहाँ पर प्रश्न जो है वो पहले से डिसाइड नहीं है, बल्कि जैसे ही प्रयोज्य सामने बैठता है उसके बाद जो है उससे बातचीत करके जो प्रश्न जो है वो वहाँ पर रखे जाते हैं। तो जो संरक्षित साक्षात्कार है, तो इसमें जो अनुसूची होती है उसकी शब्दावली हो गई, जो भाषा हो गई, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं किया जा सकता, पहले से ही डिसाइड होती है। ठीक है, और इस प्रकार के इंटरव्यू का जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो रहता है एक रूपता जो है बनाए रखना। तो इससे जो प्राप्त अंतरों को वैज्ञानिक आधार पर जो है हम निष्कर्ष जो है वो निकाल सकते हैं। दूसरा, जो असंरक्षित साक्षात्कार है, तो यहाँ पर इसको हम अनौपचारिक साक्षात्कार भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्रश्न जो है वह पहले से ही तैयार किए हुए नहीं है। तो यहाँ पर जो है बिना किसी पहले की जो अनुसूची है उसकी हेल्प के, बिना किसी अनुसूची की हेल्प के जो साक्षात्कार करता है वो कुछ प्रश्न जो है वो पूछता है, और उत्तरदाता जो है उन प्रश्नों के उत्तर देता है। तो यहाँ इसका जो है प्रॉफिट क्या है कि इस विधि से उत्तरदाता जो है उन प्रश्नों के उत्तर देता है, तो इस विधि से प्रयोज्य को समझने का जो है वो ज्यादा अवसर मिलता है, क्योंकि वो पहले से ही उसको नहीं पता होता है क्वेश्चन जो है किस तरीके से पूछे जाने हैं, किस टॉपिक पर पूछे जाने हैं। जबकि संरक्षित साक्षात्कार, जिसमें पता होता है टॉपिक क्या है, प्रश्न जो है वो डिसाइड किए हैं साक्षात्कारकर्ता ने, ठीक है, लेकिन टॉपिक जो है वह मालूम होता है कि किस विषय पर जो है वह पूछा जाना है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी डिसाइड नहीं होता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से समझने का अवसर मिलता है एक साक्षात्कारकर्ता को। ठीक है, यहाँ पर जो है एक्चुअल में उसकी जो भी चीजें हैं, जो भी बातें हैं, वो यहाँ पर समझ में आती हैं। जब प्रश्न कोई भी डिसाइड नहीं होता है वो वहीं पर जो है प्रश्न पुटअप किए जाते हैं और उसका आंसर प्राप्त किया जाता है। तो एक तरीके से ये जो है ये कैसी है, औपचारिक साक्षात्कार है, और यह अनौपचारिक साक्षात्कार कहा जाएगा। ठीक है, तो जो इंटरव्यू होता है उसका मुख्य जो उद्देश्य क्या होता है कि जो भी घटनाएं होती हैं जिनको हम नहीं देख सकते हैं, जिनका समाधान जो है वो अन्य विधियों से संभव नहीं है, तब हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। और इंटरव्यू के माध्यम से, इस विधि के माध्यम से जो व्यक्ति है उसके जीवन इतिहास को जानने के लिए, मानसिक रोगियों में वार्तालाप करने के लिए ये विधि जो है वो काम में ली जाती है। ठीक है, जिससे कि जो भी आगे की बातें हैं या जो भी व्यवस्था है उसमें सुधार जो है वो लाया जा सके। नेक्स्ट विधि है सर्वे विधि। सर्वे विधि को हम सर्वेक्षण विधि भी कहते हैं। तो जो समाज मनोवैज्ञानिक होते हैं सबसे ज्यादा इस विधि का प्रयोग करते हैं।
ठीक है। तो आजकल तो हम देखते हैं कि मीडिया जगत में पॉलिटिशियन जो है वो कौन सा रहेगा, या फिर चुनाव की प्रक्रिया में यहाँ पर इस विधि का प्रयोग जो है वह होता है। शिक्षा मनोविज्ञान की यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि कोई अध्ययन करता है, उसको बच्चों को मोबाइल की सुविधा जो है उपलब्ध करानी है या नहीं करानी है, तो इस विषय पर यदि वो सर्वे करता है तो वह टीचर हैं, माता पिता हैं, राजनीतिज्ञ हैं, समाजशास्त्री हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, तो इनकी राय जो है वो जानना चाहता है कि बच्चों को मोबाइल की सुविधा जो है उपलब्ध करानी चाहिए या नहीं। तो क्या करेंगे वो? तो वो इन समूहों का जो है वो चयन करके उनसे इस विषय पर जो है राय लेकर आंकड़े जो है वो इकट्ठा करेंगे, ठीक है, और फिर विश्लेषण करके एक खास जो है कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। तो वहां पर ये सर्वे विधि जो है काम में लाई जाती है। तो सामान्यतः किसी विशिष्ट विचार, मत या धारणाएं जानने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि जनसंख्या में से एक सैंपल लेकर उस विचार को जनसंख्या पर लागू करना, जैसे कि मैंने आपको मोबाइल की बात बताई, ठीक है। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि पूरे देश की जो जनसंख्या है तो वहां पर हर जगह जा जाकर जो है ये पता किया जाएगा, हर जो है माँ बाप से या टीचर से ये पता किया जाएगा कि बच्चों को जो है मोबाइल की सुविधा उपलब्ध करानी है या नहीं। एक जो है क्षेत्र जो है वह ले लिया जाएगा, यानी सैंपल के तौर पर, और वहाँ के टीचर हैं, माता पिता हैं, पॉलिटिशियन हैं, ठीक है, और जो मनोवैज्ञानिक हैं, तो उनकी जो है राय ली जाएगी। उनकी राय लेने के बाद जो है आंकड़े जो है वो इकट्ठे किए जाएंगे, और फिर विश्लेषण करके जो है जिस निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा उसे पूरे देश की जनसंख्या जो है उस पर लागू कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से उस सैंपल से जो है उस समस्या का निदान किया जा सकता है। तो ये है सर्वे विधि। अगला देखिए, प्रयोग विधि या प्रयोगात्मक विधि। तो प्रयोगात्मक विधि जो है मनोविज्ञान विषय के अध्ययन की एक वैज्ञानिक विधि कही जाती है, क्योंकि यहां पर प्रयोग करके देखा जाता है। तो प्रयोग के आधार पर ही ये विधि जो है वो बहुत ज्यादा जो है मजबूत विधि भी मानी जाती है, क्योंकि वैज्ञानिक विधि में हम देखते हैं कि क्रमबद्धता, व्यवस्थता, विश्लेषण, निरीक्षण, नियंत्रण सभी होता है। जो भी विज्ञान की विशेषताएं होती हैं वो वैज्ञानिक विधि में होती हैं। तो इसी तरीके से इस विधि में भी ये सभी गुण जो है वो पाए जाते हैं। आप खुद देखिए कि आज का जो मनोविज्ञान है वो इतना प्रैक्टिकल हो गया है, इतना प्रायोगिक हो गया है कि सही अर्थों में केवल उन्हीं तथ्यों की, उन्हीं सिद्धांतों को यहाँ पर मान्यता मिलती है जिन्हें साइंटिफिक तरीके से जो है साबित किया जा सकता है। तो अब जो है क्वेश्चन ये होता है कि जो प्रयोगात्मक विधि है वो क्या है। तो इसे समझने के लिए प्रयोग का जो स्वरूप है उसको समझना होगा, क्योंकि प्रयोगात्मक विधि का आधार जो है वही क्या है, प्रयोग है। तो सामान्य रूप में किसी व्यवहार या मानसिक प्रक्रिया का किसी नियंत्रित दशा में सिस्टमैटिक या व्यवस्थित तरीके से प्रयोग करना ही क्या है, प्रयोग विधि है। तो प्रयोग विधि जो है, प्रयोगात्मक विधि, इसमें जो भी समस्या होती है उसके निर्धारण के बाद जो है एक जो परिकल्पना होती है उसका निर्माण किया जाता है। तो ये जो परिकल्पना है वो दो या दो से अधिक चरों के बीच जो है वो संबंध को बताती है। तो अब ये चर जो है वो क्या होते हैं, जो दो चरों के बीच में जो अनुमानित संबंध जो है वो बताती है, वो चर क्या है? तो चर जो यानी कि वेरिएबल, कोई भी ऐसी वस्तु, गुण आदि जिसमें परिवर्तन संभव हो वो चर कहलाता है, ठीक है। क्योंकि प्रयोग विधि में चरों के मध्य जो संबंध है इसी को ज्ञात करने की जो है कोशिश या प्रयास जो है वो किया जाता है। तो यहाँ पर चर जो है वो तीन प्रकार के हैं। एक तो है स्वतंत्र चर, दूसरा है परतंत्र चर या आश्रित चर, तीसरा है बाह्य चर या नियंत्रण चर। अब देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको ये चर जो है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। स्वतंत्र चर मान लीजिए क्या है, टीचर है, शिक्षक जो है वह है स्वतंत्र चर है, ठीक है। परतंत्र चर यानी आश्रित चर कौन है, एक विद्यार्थी है। और जो पाठ्यक्रम है वह है बाह्य चर या नियंत्रण चर।
तो स्वतंत्र चर ऐसे चर, अब मैंने आपको एग्जाम्पल जो दिया है उसी को यहाँ पर लागू करके देखिए, ऐसे चर जो आश्रित चर में परिवर्तन का कारण बनते हैं, ऐसे चर यानी स्वतंत्र चर जो कि आश्रित चर जो विद्यार्थी है उसमें परिवर्तन का कारण बनता है तो वो स्वतंत्र चर कहलाता है। ठीक है, यानी जिस चर का प्रभाव जो है अन्य चर पर जांचा जाता है। तो एक जो टीचर है वो किसमें परिवर्तन लाएगा, एक विद्यार्थी में। ठीक है, तो ये स्वतंत्र चर है। और स्वतंत्र चर जो है इस बाह्य चर से भी प्रभावित होता है, पाठ्यक्रम से जो है स्वतंत्र चर और परतंत्र चर दोनों ही प्रभावित होंगे। परतंत्र चर मैंने क्या बताया आपको, विद्यार्थी है जो कि डिपेंडेंट है किस पर, टीचर पर, उस स्वतंत्र चर पर। तो वे चर जो स्वतंत्र चर से प्रभावित होते हैं परतंत्र चर कहलाता है, यानी जो बदलाव से प्रभावित होता है या नहीं होता है, प्रभावित जो है वह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो वह परतंत्र चर कहलाता है। वहीं पर तीसरा जो चर है बाह्य चर या नियंत्रण चर, ऐसे चर जो स्वतंत्र चर के अतिरिक्त जो परतंत्र चर को भी प्रभावित करता है। अब जो पाठ्यक्रम है वो इन दोनों को ही प्रभावित करता है, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर जिससे कि आपको ये समझ में आ सके। ठीक है, फोर्थ नंबर पर है अवलोकन विधि, जो कि मनोविज्ञान की जो है बहुत अच्छी विधि मानी जाती है। इस विधि को हम निरीक्षण विधि भी कहते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड, अवलोकन करना यानी कि ध्यान पूर्वक देखना। तो हम किसी व्यक्ति के व्यवहार, आचरण, क्रियाएं, उसकी प्रतिक्रियाएं, इनको ध्यान पूर्वक देखकर उसकी जो है मानसिक दशा जो है उसका अनुमान लगा सकते हैं। इसका जो है बढ़िया एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि कोई व्यक्ति जो है वो जोर जोर से बोल रहा है और उसकी आंख जो है वो बिल्कुल रेड हो रही है, तो उसको देखकर ही हम क्या पता लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में है। तो निरीक्षण विधि में या अवलोकन विधि में जो अवलोकन करता है, निरीक्षण करता है, तो वो अध्ययन किए जाने वाले व्यवहार का जो है निरीक्षण करता है, जिसका उसे अध्ययन करना है उस व्यवहार का निरीक्षण करता है। तो उसी के आधार पर जो है वह उस विषय के बारे में अपनी जो है वो धारणा बनाता है। तो सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली ये विधि है। और यहाँ पर अवलोकन में संग्रहित किए गए आंकड़ों का रिकॉर्ड जो है वो रखना आवश्यक माना जाता है। तो अवलोकन विधि जो कि स्थान के आधार पर हम देखते हैं दो प्रकार की है, एक है प्रयोगशाला अवलोकन जो कि प्रयोगशाला में रहकर जो है उसे ध्यान पूर्वक देखकर जो है उसकी जांच की जाए, उसका जो जो भी वहां पर जिस विषय पर काम हो रहा है उसका निरीक्षण किया जाए। दूसरा है क्षेत्र अवलोकन, ये अच्छा माना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो क्लास है और क्लास के बाहर अपने छात्रों के व्यवहार का निरीक्षण करने के लिए जो है बहुत सारे अवसर जो है वो शिक्षक को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से प्रयोगशाला अवलोकन जो कि एक सीमित दायरे में है और यहाँ पर दायरा जो है वो बड़ा है, तो यहाँ पर क्लास में और क्लास के बाहर वो अपने जो विद्यार्थी हैं उनके व्यवहार का निरीक्षण करने के उसे बहुत सारे जो है अवसर मिलते हैं। तो इसीलिए क्षेत्र अवलोकन जो है अच्छा माना जाता है जब हम स्थान के आधार पर अवलोकन विधि की बात करते हैं। वहीं पर भूमिका के आधार पर अवलोकन भी दो प्रकार के हैं, एक है सहभागी अवलोकन और दूसरा है असहभागी अवलोकन। तो जो सहभागी अवलोकन है वो क्या होता है, इसमें जो अवलोकन करता है वो अवलोकन किए जाने वाले समूह का अवलोकन जो है उसका एक भाग बनाकर जो है वो करता है। तो उसके लिए उसे जो है उस समूह में जाना होता है और उसकी जो भी एक्टिविटी होती है तो उन सदस्यों के साथ जो है वो खुद भी उसमें पार्टिसिपेट करता है, लेकिन समूह के लोगों को जो है जो उसका उद्देश्य होता है अवलोकनकर्ता का, तो उसका आभास बिल्कुल नहीं होने देता। वो उन्हें इस बात की बिल्कुल जानकारी जो है वो नहीं देता है कि उनके व्यवहार का जो है उसके द्वारा अवलोकन किया जा रहा है, क्योंकि अगर उन लोगों को पता चल जाए कि उनके व्यवहार का अवलोकन किया जा रहा है तो उनके व्यवहार में वो स्वाभाविकता जो है वो नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये होता है सहभागी अवलोकन, जिसमें उस समूह का अवलोकन करने के लिए अवलोकनकर्ता को स्वयं भी उसका भागीदार बनना पड़ता है। और जो असहभागी अवलोकन है वो बिल्कुल इसका अपोजिट है,
इसमें जो अवलोकन करता है किसी भी समूह के जीवन में जो है वो प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेगा, और इस विधि में अध्ययनकर्ता जो है समूह में ना तो अपना लंबा समय जो है व्यतीत करता है और ना ही उनकी जो है एक्टिविटी उसमें भाग लेता है। तो इसमें वह लोगों को जो है पूर्व सूचना दिए बिना जो भी घटनाएं हैं उस समय ही एंटर होकर और वह जानकारी प्राप्त करता है, और जो कुछ भी देखता है उसका गहराई से जो है वह स्टडी करता है, और इस विधि का प्रयोग जो है वो प्रायोगिक अवलोकन के लिए सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, तो सहभागी यानी कि साथ में जो है वो भाग लेना अवलोकनकर्ता के द्वारा, और फिर जो है निरीक्षण करना, अवलोकन करना, और यहाँ पर इसका बिल्कुल बिल्कुल जो है वो अपोजिट है। यहाँ पर वो इसका भागीदार नहीं बनता है और लोगों को बिना कोई सूचना दिए वो उन घटनाओं के समय जो है उपस्थित हो जाता है और जो भी जानकारी होती है वो प्राप्त कर लेता है, और उसके बाद जो है उसकी स्टडी करता है। केस अध्ययन विधि, केस स्टडी मेथड, तो नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो है उपयोग में लाई जाने वाली विधि है केस स्टडी मेथड। तो यहाँ पर इस विधि द्वारा उस व्यक्ति के संबंध में सूचनाएं एकत्रित करके गहन विश्लेषण किया जाता है जिसकी समस्या है, जो भी समस्या है उस व्यक्ति की, तो उसके संबंध में जो है जो भी उसकी हिस्ट्री है, उसका जो पास्ट है, वहां से सभी सूचनाएं जो है एकत्रित की जाती है, और उसके बाद जो है उसका गहन विश्लेषण किया जाता है, समस्या के कारणों का पता करके और फिर उसका उपचार किया जाता है। तो यह विधि जो है शिक्षा मनोविज्ञान में काम में ली जाती है। तो यहाँ एग्जाम्पल भी है, जैसे कि क्लास में कुछ बच्चे जो हैं जो कि समस्यात्मक हैं, अनुशासनहीन हैं, या कुछ बच्चे जिनकी चोरी करने की आदत है, या कुछ बच्चे जो कि विद्यालय से भाग जाते हैं, तो इसके लिए जो भी समस्याएं हैं तो उसके लिए उस बच्चे के पीछे जो कारण है कि किस वजह से वो चोरी कर रहा है, या किस वजह से वो अनुशासनहीनता जो है क्लास में फैला रहा है, या उसके स्कूल से भाग जाने का कारण, इनके कारणों का वो पता करता है। ठीक है, और उसके बाद जो है उपचार किया जाता है। तो यहाँ नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा ये विधि जो है उपयोग में लाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मनोविज्ञान की कौन सी विधि जो कि नैदानिक मनोवैज्ञानिक जो है प्रयोग में लेते हैं कोई भी समस्या का निवारण करने के लिए, तो वह है केस स्टडी मेथड। समाज मिति विधि, तो दो लोगों के बीच में या दो से अधिक लोगों के बीच में जो भी पारस्परिक संबंध हैं उसके मापन को ही समाज मिति जो है वह विधि कहा जाता है। तो ये विधि जो है किसी समूह की अंतःक्रिया पर आपसी संबंधों को समझने के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो जो एक समूह है उसकी संरचना का अध्ययन करने या उस समूह के प्रत्येक व्यक्ति का जो पारस्परिक सामाजिक संबंध है उनकी स्थिति का मापन करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए लंबात्मक या अनुदैर्ध्य विधि। तो लंबात्मक यानी कि बिल्कुल सीक्वेंस में जो है इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि विकासात्मक मनोविज्ञान में हम इस विधि का प्रयोग करते हैं, तो विकासात्मक मनोविज्ञान यानी विकास की बात, जहां शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, शैक्षिक, सामाजिक विकास की बात होती है, तो वहां बच्चे का जो शैशवावस्था है यानी जब वो छोटा है, शिशु है, जब से लेकर और प्रौढ़ावस्था तक बहुत सारी अवस्थाएं आती हैं। शैशवावस्था है, बालावस्था है, किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, तो इसके लिए एक बहुत लंबा समय जो है लगाना पड़ता है। तो इस विधि में जो है बहुत लंबा टाइम लगता है, बहुत अधिक धन खर्च होता है। ठीक है, समय और श्रम जो है इसका भी अत्यधिक प्रयोग होता है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान में इस विधि का प्रयोग किया जाता है, लंबे समय तक जो है इसमें अध्ययन होता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण विधि, तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण से जो है हम क्या अर्थ लगा सकते हैं? अगर हम सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर हम इस प्रश्न का आंसर ढूंढें तो हम कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो है वो व्यवहारिक रूप से किसी व्यक्ति का अध्ययन करने की एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति को, किसी प्राणी को हम समझ सकते हैं, उसके बारे में जो है वो हम निर्णय ले सकते हैं कि उस व्यक्ति
के जो मनोवैज्ञानिक गुण हैं, जैसे कि बुद्धि, उसका बुद्धि स्तर क्या है, उसकी जो है किन किन विषयों में उसकी रुचि है, ठीक है, वह किन जो है क्षेत्रों में सफलता हासिल कर सकता है, समाज के लोगों के साथ उसका उठना बैठना, समायोजन जो है वह कैसा है, वो एडजस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसकी जो विशेषताएं हैं व्यक्तित्व की वो क्या क्या हैं, तो ये सभी हमें यहाँ मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा ही पता चल सकता है। जैसे कि साइंस की हम बात करते हैं तो वहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो सब्जेक्ट रहते हैं, तो वहाँ पर जो है टेस्ट होते हैं, जैसे कि कोई भी बीमारी है, केमिस्ट्री की यदि बात करें तो वहाँ पर जितनी सावधानी से कोई भी बीमारी के लिए जो है जो ब्लड होता है उसका नमूना लेकर और परीक्षण किया जाता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो मनोवैज्ञानिक हैं वह भी क्या करते हैं, व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण करते हैं परीक्षण के द्वारा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण विधि के द्वारा। तो ये ऐसी विधि है जिसमें विभिन्न मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन किया जाता है। तो मनोवैज्ञानिक गुण कौन से हैं, जैसे कि समायोजन हो गया, बुद्धि हो गई, रुचि हो गई और व्यक्तित्व हो गया। तो व्यक्ति जो है समाज के लोगों के साथ कैसे जो है एडजस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये पता करने के लिए उसका बुद्धि का स्तर क्या है, ये पता करने के लिए उसकी किन क्षेत्रों में जो है रुचि है, ये पता करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है ऐसे शिक्षकों का सहारा नहीं लिया जाएगा जो कि उन विषयों में उनको नॉलेज ना हो। ऐसे परीक्षण जो है वो किसी विषय विशेषज्ञ द्वारा जो उसमें बहुत ज्यादा जानकारी रखता हो उसके द्वारा किया जाएगा, एक मानकीकृत प्रक्रिया के द्वारा। तो जो मानकीकृत प्रक्रिया है वो क्या होती है, यानी कि जो वो परीक्षण है तो वो विश्वसनीय होना चाहिए, वैध होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रक्रिया द्वारा ही जो ये परीक्षण है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो है वो बनाए जाते हैं एक विशेषज्ञ द्वारा जो कि उस विषय में उसको अत्यधिक नॉलेज हो। तो सबसे पहले जो है वो क्या डिसाइड करेगा कि वह किस मनोवैज्ञानिक गुण के मापन के लिए परीक्षण बनाना चाहता है, चाहे वो बुद्धि है, व्यक्तित्व है या रुचि है, तो पहले ये डिसाइड कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद साथ में आयु समूह का भी ध्यान रखा जाता है, एज जो है उसका भी ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं किया जाता कि कोई जो है वो 5 वर्ष का जो है बालक है और उसके साथ में ही उसी समूह में जो है 18 साल का जो है वह बालक है, ठीक है। तो आयु समूह जो है उसका भी ध्यान रखा जाता है। परीक्षण निर्माणकर्ता द्वारा जो है पद लेखन का कार्य भी किया जाता है, जो भी पद लिखे जाते हैं तो वह लिखता जाता है और उनको भी वह दुगना लिखता है, जितने पदों का परीक्षण बनाना चाहता है तो सामान्यतः उससे दुगने पद जो है वह लिखे जाते हैं। उन पदों का फिर विश्लेषण किया जाता है और ऐसे पद जिनकी भाषा जटिल है, अस्पष्ट होती है, उनको हटा दिया जाता है। तो इसीलिए जो है दुगने पद लिखे जाते हैं, क्योंकि बाद में जब वह देखता है कि इसकी भाषा जो है बहुत कठिन है, स्पष्ट नहीं है, तो उनको हटा दिया जाता है और सभी पदों की कठिनता स्तर और विभेदनकारिता की जांच जो है वह की जाती है। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का मानकीकरण एक जटिल प्रक्रिया होती है। इसके अंतर्गत परीक्षण की वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता तथा मानकों का निर्धारण किया जाता है। तो जो परीक्षण है उसमें इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है कि वो परीक्षण जो है वो वैध भी होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए उस परीक्षण में, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, ठीक है, और मानकों का निर्धारण जो है उसमें किया जाता है। अब देखिए ये क्या है जो हमने देखे, वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता या मानक। तो अब हम एक एक करके जो है इनको हम समझेंगे, वैधता क्या है, वस्तुनिष्ठता क्या है, विश्वसनीयता क्या है और मानक क्या है, जिसके अंतर्गत जो है वो परीक्षण का जो निर्धारण है वह किया जाता है। तो सबसे पहले जो है वैधता यानी वैलिडिटी, यानी जो परीक्षण तैयार किया गया है, जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण हमने तैयार किया है, तो वह उन उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है या नहीं जिन उद्देश्यों के लिए उसका निर्माण हुआ है। तो उसी मनोवैज्ञानिक गुण का मापन, चाहे वो बुद्धि है, व्यक्तित्व है, रुचि है, तो जिसके मापन के उद्देश्य से परीक्षण का निर्माण किया गया है, बुद्धि का मापन करना है, तो क्या वह बुद्धि से संबंधित जो उद्देश्य लिए गए हैं उनकी पूर्ति कर रहा है या नहीं। यदि कर रहा है तो वो परीक्षण जो है वो वैध माना जाएगा, ठीक है। दूसरा जो देखा जाएगा वस्तुनिष्ठता, क्या
कि वो जो परीक्षण है वो वस्तुनिष्ठ भी होना चाहिए, यानी वहां पर जो परीक्षण करता है उसका कोई भी प्रभाव जो है यानी पक्षपात जो है वहां ना दिखाई दे। इसका अर्थ परीक्षण के किसी प्रकार के पक्षपात तथा आत्मनिष्ठता के मुक्त रहने से है। तो जैसे कि एग्जाम में जो हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि जिनमें चार ऑप्शन होते हैं, तो वो इसीलिए तैयार किया जाता है कि वहां पर किसी भी प्रकार का पक्षपात ना दिखाई दे। इंटेलिजेंट जो बच्चा है वो अपने तरीके से जो है आंसर लगाएगा, और जो डल है वह भी अपने तरीके से लगाएगा। एग्जामिनर जब वह उसे चेक करेगा तो वहां पर किस बच्चे को पास करना है, किस बच्चे को फेल करना है, वहां पर उसका यहाँ कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो पक्षपात रहित है। ठीक है, तो जो परीक्षण वस्तुनिष्ठ है तो वह भी सही माना जाएगा। तीसरा जो देखा जाएगा विश्वसनीयता, कि वो परीक्षण जो है वो विश्वसनीय है या नहीं, रिलायबिलिटी, यानी कि जितनी बार भी उस परीक्षण को हम जांचें उत्तर जो है वो हमें वही मिले, चाहे आज जांचें, कल जांचें या परसों जांचें, उत्तर जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो, समान आए। किसी परीक्षण को तब विश्वसनीय माना जाता है जब उस परीक्षण को एक से अधिक बार क्रियान्वित करने पर अंकों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होता है। तो जब ये सभी विशेषताएं एक परीक्षण में होती हैं तो वो परीक्षण जो है वह सफल माना जाता है, जिसमें वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता हो। तो विश्वसनीयता जो है वह दो प्रकार के होते हैं, देखिए, परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। एक परीक्षण को एक बार क्रियान्वित करने के बाद कुछ समय जो है ब्रेक लेना, यानी अंतराल के बाद पुनः उसी प्रतिदर्श पर क्रियान्वित किया जाता है, और उन दोनों बार के आंकड़ों की संबंधता को जांचा जाता है, तुलना की जाती है, तब वह परीक्षण जो है पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता ज्ञात होता है। ठीक है, तो विश्वसनीयता को हमने यही देखा कि हर बार जब भी वो क्रियान्वित किया जाएगा तब हमें जो आंसर है वह समान मिलेगा। तो जब यहाँ हम एक बार परीक्षण करने के बाद अंतराल ले लेते हैं, कुछ समय ब्रेक ले लेते हैं, और उसके बाद दोबारा से वो परीक्षण किया जाता है, और उसके बाद दोनों में जो है अंतर देखा जाता है, तो उनके आंकड़ों में जो है कोई भी अंतर नहीं आता है, तो वह परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता ज्ञात तो हो जाती है। समानांतर रूप विश्वसनीयता, पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी, निर्मित किए गए परीक्षण के दो समानांतर रूप बनाए जाते हैं और फिर एक ही समय उन दोनों समानांतर रूपी परीक्षणों का क्रियान्वयन किया जाता है, और इन प्राप्त आंकड़ों के दोनों समुच्चयों की तुलना की जाती है। यदि उनमें संगतता पाई जाती है तो परीक्षण जो है विश्वसनीय माना जाएगा। तो यहां पर जो है दो समानांतर रूप जो है परीक्षण के बनाए जाते हैं, बिल्कुल समान। ठीक है, और फिर बाद में जो है अंत में जो है दोनों की तुलना की जाती है, यदि उनमें संगतता पाई जाती है तो वो परीक्षण जो है वो कैसा है, विश्वसनीय है। फिर देखिए सम विषम विश्वसनीयता, यानी कि जब पद जो हैं सम और विषम दोनों एक साथ ले लिए जाएं और उसके बाद समांतर रूप जो है वह हमें मिले, तो वह परीक्षण भी विश्वसनीय माना जाएगा। जब कोई परीक्षण सजातीय होता है तब उस परीक्षण में सम और विषम पदों को अलग-अलग कर परीक्षण को रूपों में बांट दिया जाता है, और उसके बाद जो है समांतर रूप की विश्वसनीय ज्ञात विश्वसनीयता जो है वो ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो ये विश्वसनीयता के प्रकार थे। चौथा जो है, जो कि हमें परीक्षण में देखना है, एक हमने देखा कि वो परीक्षण वैध होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, और उसके बाद जो है मानक जो है वह भी देखे जाते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में मानक जो है वो अत्यंत आवश्यक है, नॉर्म्स। किसी भी परीक्षण के साथ जो है एक मैनुअल तैयार किया जाता है, और उस मैनुअल में परीक्षण की जो भी सामान्य जानकारी है उसके अलावा परीक्षण के जो मानकों का भी उल्लेख होता है। तो सामान्यतः एक परीक्षण की वैधता विश्वसनीयता जांच लेने के बाद उस परीक्षण को एक बड़े प्रतिदर्श पर, यानी जो सैंपल है उस पर क्रियान्वित किया जाता है,
और उस बड़े प्रतिदर्श द्वारा प्राप्त अंकों को मानकीकृत अंकों को प्राप्त किया जाता है, और उस बड़े प्रतिदर्श द्वारा जो प्राप्त अंक है उससे मानकीकृत जो अंक है उनको प्राप्त किया जाता है। तो इस मानकीकृत अंकों की सहायता से उस परीक्षण पर प्राप्त अंकों की व्याख्या हेतु श्रेणियों का जो है निर्धारण किया जाता है। तो इस तरीके से जो है मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो है वह किया जाता है, जो कि इन चारों जो पॉइंट हैं हमारे वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, मानक, इनको पूरा करें। और साधारण जो जो भी लोग हैं उनके द्वारा ये परीक्षण नहीं किया जाएगा, यहाँ पर जो है जो विशेषज्ञ है उस विषय में, तो उसके द्वारा ही ये किया जाएगा, ताकि जो भी हमें आंकड़े मिलें वो बिल्कुल सटीक हो। अब नोट में देखिए कि शिक्षा मनोविज्ञान विषय का जो केंद्र बिंदु है वह कौन है, अधिगम करता है, सीखने वाला है, वह बालक है, ठीक है। और शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षक की क्या भूमिका है, मार्गदर्शक की है। तो ये जो दो पॉइंट हैं यहाँ पर नोट में मैंने लिखे हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी में केंद्र बिंदु कौन है, केंद्र बिंदु वो बालक है। और इससे पहले की यदि हम बात करें, पहले के टाइम में जो शिक्षक था वो केंद्र बिंदु था, जो शिक्षक निर्णय लेता था वही बच्चों को मानना पड़ता था, लेकिन अब नहीं है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में क्या है कि बच्चों की रुचि को देखते हुए, उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पर शिक्षा जो है वह उन्हें दी जाएगी। तो चलिए आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान जो है, जो आपकी साइकोलॉजी है, उसमें सबसे ज़्यादा आपका समझने का है। यहाँ जितना अच्छा आप समझ जाएंगे उतने अच्छे तरीके से जो है एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं जो कि आपके सामने बिल्कुल नई होंगी, और कुछ तो आपने पहले से ही पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो कि आपका बिल्कुल सीधा नहीं पूछा जाता है, बहुत ही घुमाकर शब्द जो हैं जो कि कठिन दे दिए जाते हैं, तो आपसे पूछे जाते हैं। तो यही चीज जो है मनोविज्ञान में आपको ध्यान देनी है। रटने के लिए आपका केवल ये है कि आप लोग परिभाषाएं जो हैं वो रट सकते हैं। इसके अलावा परिभाषाएं जो हैं वो भी मैंने आपको बताई, उनको भी रटो मत, उनको भी आप लोग जो हैं समझ कर जो हैं उनको याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और इसके अलावा कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, शिक्षा के जनक कौन हैं, ये चीज़ें जो हैं जो कि आपको याद करनी है। और बाकी आपको जो है समझने की चीज़ ज़्यादा है, जिनको आप समझने की कोशिश करें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।